My name is Zarrar. Subscribe कीजिए Ambrose Reactions YouTube channel को और दबाइए इस bell icon को ताकि आप देख सकें हमारी videos सबसे पहले. Hey guys, welcome back to Ambrose Reactions. This is Rehan. और आज मैं जो reaction लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा requested है. Video का title होने वाला है Zarrar Official Trailer 2020. Shaan Shahid, Kiran Malik, Nadeem Baig. So guys, ये पाकिस्तानी movie है जो कि इस साल 2020 में release होने वाली है मेरे ख्याल से. और जिस तरह की अभी कंडीशन चल रही है हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए इसका रिलीज़, लेकिन इन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया है 23 मार्च को. और इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट करें इस ट्रेलर के साथ, यानी कि आई थिंक 23 मार्च को पाकिस्तान डे होगा. सो शायद इसलिए उन्होंने उस दिन इसे रिलीज़ किया है. और इसलिए भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा है कि यार इस जो कंडीशन चल रही है अभी कोरोना वायरस की, इस कंडीशन में आपके लिए हम ट्रेलर लाएँ ताकि आपका थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो और आप थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए और थोड़ी सी आपकी टेंशन कम हो दिमाग की. इस वजह से उन्होंने ये ट्रेलर लॉन्च किया है. और इसके डिस्क्रिप्शन में इस मूवी के बारे में और भी कई डिटेल्स लिखी है. तो फिल्म रिलीज़ डेट टू बी अनाउंस सून, मतलब अभी इसकी रिलीज़ डेट अनाउंस नहीं हुई है, सिर्फ ट्रेलर आया है. और इसको डायरेक्ट और राइट किया है शान शाहिद ने, और रोल भी मेन हीरो भी वही है. सो मतलब तीनों काम इन्होंने ही किए हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है. और $1.2 million इस मूवी का बजट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया गया है इस मूवी के ऊपर. प्रोड्यूसर से इसके जहान फिल्म्स इन एसोसिएशन विद फिफ्थ डायमेंशंस फिल्म्स एंड कोलेब्रेशन विद फिफ्थ एलिमेंट प्रोडक्शंस. और ये मूवी पाकिस्तान, लंदन, टर्की में शूट हुई है. उर्दू, इंग्लिश दो तरह की लैंग्वेज में ये बनाई गई है. और 2020 में ये इसकी रिलीजिंग होने वाली है. इतनी सब डिटेल तो हमें चलो डिस्क्रिप्शन में ही मिल गई. सो ये बहुत अच्छी चीज़ है. और गाइज, ये जो मूवी है Zarrar, ये इस चैनल पर आई है जिसका नाम है Zarrar द फिल्म. तो आप चाहे तो इस चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं. और ओरिजिनल ट्रेलर लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसका फुल स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं. फिलहाल हम इस ट्रेलर को देखते हैं और आगे थोड़ी सी और बात करेंगे इसके बारे में. देखते हैं यार कैसा होता है ट्रेलर, और बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर होने वाली है ये, तो देखते हैं यार क्या होता है. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी. हियर वी गो. Based on truth threats. It is a very real one. London. BGM kamal hai. Deliver Pakistan with a title of failed state and your job is done. Kisi aas paas ke mulk mein koi badi tension jiska bana wala Pakistan. Top 3 most wanted. ये पूरी दुनिया भर के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के बारे में गलत बोल रहे हैं. We use the state and the non-state actors to achieve the country's strategic or political objective. हमें जहाद कश्मीर से क्या, हमने जहाद पाकिस्तान से शुरू करना है. पाकिस्तान में जहाद. To the dark future of Pakistan. ये भी है इसमें, क्या बात है. कहते हैं अगर अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो. BGM बहुत कमाल लग रहा है अभी तक यार. हम ये जंग जीत के रहेगा. तो भैया हो गई हीरो की एंट्री. वो ओहो, माय नेम इज Zarrar. आई वाज अ पार्ट ऑफ द स्पेशल यूनिट इन द Zarrar है. The ISI. We are out there to eliminate the threats to the country before they happen. अच्छा समझ गया. Pakistan is a threat. And we have the right to finish what we can't control. Unit 1. Ek team ko tayyar rakhiye ki wo nikal le ya kharab kar de Pakistan ke enemy assassin ko. Nuclear material could fall into the wrong hand. You should have confidence that the people around the nuclear arsenal are among the best Pakistan has. Bahut hi bade scale par shoot kiya yaar maine. Pata nahi. अच्छा इसमें एक्ट्रेस भी है. कहाँ और कैसे? किरण मलिक. I guess that's what love is. थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा. राजपूत रो एजेंट.
अब शुरू होगा। Men die, sir. Wars don't die. So what you will do now? Find peace. Find peace. Find peace. ये घर मैंने काफी मूवीज में देखा है। जरार, शान ग्रीन, लीड ग्रीन। सो गाइज, मूवी का ट्रेलर पूरा देख डाला मैंने और बहुत ही धमाकेदार मुझे ट्रेलर लगा। ख़ास तौर पर इसका जो BGM है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। और स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग जो होते हैं वो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो पाकिस्तान के बारे में कुछ कहते हैं कि यार पाकिस्तान बहुत ही, मतलब इस तरह की चीज़ें होती है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कई सारे, और थ्रेट कह सकते हैं, एक थ्रेट को से लड़ने के लिए जो है शान शाहिद की एंट्री होती है। और शान शाहिद ISI के एजेंट इसमें दिखाए गए हैं कोई स्पेशल फोर्स में, और वो वहाँ से ऐसे लोगों को, ऐसे मिशंस करते हैं जो कि, जो मतलब पाकिस्तान को जो लोग थ्रेट करते हैं या जो पाकिस्तान पर अटैक करने वाले होते हैं उस अटैक को रोकना बेसिकली उनका काम होता है, जितना मुझे ये देखकर समझ में आया। उसमें कुछ टेररिस्ट भी दिखाए गए जिसमें उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान से जिहाद शुरू करेंगे। सो देखते हैं आगे इस ट्रेलर में क्या, इस मूवी में क्या होता है। हालांकि जितना मैंने ट्रेलर देखा होता है तो मुझे यही समझ में आया कि जो शान शाहिद है जो एक ISI के एजेंट है, साथ में इसमें एज अ विलन दिखाया गया एक रॉ एजेंट को, और ये तो होना ही था यार। देखो इंडिया में जो भी इस तरह की मूवीज़ बनती है उसमें ISI को विलन बताते हैं, और पाकिस्तान में जो बनेगी तो जाहिर सी बात है उसमें रॉ को विलन बताएंगे। सो ये तो होना ही था। लेकिन इसमें जो एक्शन सीक्वेंस थे मुझे वो बहुत कमाल के लगे, और शान शाहिद का एक्शन बहुत ही कमाल का है। उन्होंने पूरा स्क्रीन पे भी प्ले भी लिखा हुआ है और पूरा डायरेक्शन भी उन्होंने किया है, लिखा भी उन्होंने इस मूवी को, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। और शान शाहिद को इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट कहूँगा इस मूवी के लिए, क्योंकि इस मूवी में जो है उनकी मेहनत जो है वो मुझे दिख रही है यार, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई होगी उन्होंने मूवी, क्योंकि तीन चीज़ उन्होंने किए, डायरेक्ट भी वो खुद किया है और साथ में उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि खुद पर ही ध्यान नहीं रखा है और भी कई एक्टर्स पर ध्यान रखा है। साथ ही साथ इस मूवी के ट्रेलर में मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डार्किश थीम रखी गई है, बहुत ज़्यादा सीन्स ऐसे डार्क दिखाए गए हैं, डार्क मूवी बनाई है मेरे ख्याल से उन्होंने। और मतलब जो दिन में भी जो सीन्स दिख रहे हैं ना वो ऐसे थोड़े डार्क शेड में दिखाए, जिससे कि मूवी को देखकर लगे कि यार एक थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो मूवी में, थोड़ा सा इंटेंस लगे आपको मूवी, इस तरह से मुझे लग रहा है। इसलिए एक अंदर ही अंदर आपके अंदर एक वो हो, एक थोड़ा सा डर पैदा करने के लिए मुझे लगता है ये किया है इन्होंने, क्योंकि इस तरह की मूवीज़ देखने के लिए हमारे अंदर थोड़ा सा डर होता है ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है मूवी देखने में। और साथ में इसमें थोड़ा सा रोमांस भी दिखाया गया है, जो कि एक्ट्रेस शायद उनका नाम किरण मलिक है, और उन्होंने थोड़ा सा रोमांस दिखाया गया उनके साथ, और उसके बाद उनका कुछ भी रोल दिखाया नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है, और वैसा ही होता है जैसा हर जो इस तरह की मूवीज़ जो होती है उसमें हीरो का रोल ही ज़्यादा होता है, एक्ट्रेस का कुछ खास रोल होता नहीं है। तो इसी वजह से मुझे लगता है इनका भी छोटा सा ही रोल होगा जो इसमें एक्ट्रेस है। और साथ में इस मूवी के फाइटिंग सीन और BGM, मुझे खासतौर पर BGM मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा इस मूवी का। और गाइज, बहुत ही दमदार लोकेशंस भी इन्होंने लिए, लोकेशंस बहुत प्यारी है, बहुत बड़े स्केल पर मूवी शूट की है और काफ़ी बड़े बजट की मूवी है, तो मुझे लगता है बहुत ही सही टाइम देखकर इन्हें इस तरह की मूवी रिलीज़ करना होगी। इस तरह की एक पहले भी मूवी बनी थी पाकिस्तान में, वॉर, उसके ट्रेलर पर भी मैंने रिएक्शन किया था बहुत पहले, हालांकि अब वो ट्रेलर शायद ब्लॉक हो गया है क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम आ गया था उस पर। तो वॉर का ट्रेलर भी देखा था मैंने, सॉरी वार था वो शायद, वार WAR था शायद, तो वो भी काफ़ी इस तरह की मूवी थी और शायद उसमें भी शान शाहिद थे जहाँ तक मुझे याद है।
और लास्ट वाला जो सीन दिखाया गया शान शाहिद जो बंगले से बाहर आते हैं वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो गाइस ओवरऑल ट्रेलर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है और आपको कन्विंस कर लेता है कि यार आपको ये मूवी देखने जाना ही पड़ेगा। सो गाइस यहाँ तो रिलीज़ होना नहीं है, आप लोग जाइएगा देखिएगा मूवी और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मूवी कैसी लगी और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। मुझे बहुत सही लगा यार और हॉलीवुड लेवल का लगा सच बोलूँ तो, क्योंकि इस तरह की सीन्स मैंने पाकिस्तानी मूवीज़ में पहले नहीं देखे। वार में थोड़े बहुत थे लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही है और बहुत ही अच्छे से शूट किया गया है तो मुझे पक्का सच में लग रहा है हॉलीवुड लेवल की मूवी बनी है। सो गाइज़ आपको कैसा लगा हमारा मेरा रिएक्शन, आज मैं अकेला ही हूँ तो रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके बता दो। अच्छा लगे तो वीडियो को करो लाइक शेयर, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मुझे सोशल मीडिया पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हूँ क्योंकि आपको पता है सब लॉकडाउन पड़ा हुआ है तो अब सभी जो लोग सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा एक्टिव है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप ज़रूर फॉलो कर लेना। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।